हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। इन प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस अबाउट द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू और मोर देन टू नंबर्स। ओके, नाउ एंड आई थिंक वी कंप्लीटेड अप टू एक्सरसाइज 2.5। टू एक्सरसाइज 2.5 तक हमने कंप्लीट कर लिया। नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर्स। मल्टीप्लीकेशन बेटा सिंपल सा है, आप पढ़े भी हैं, मैं फिर वही कह रहा हूँ बेटा। ये कुछ एक्सरसाइजेस बेटा ऐसे हैं जो जस्ट ये क्या है, जस्ट रिवीजन ऑफ योर क्लास सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब क्लास सेकंड अगर हम छोड़ भी दें, क्लास थर्ड फोर्थ में आपने डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन बहुत ही अच्छे, एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन बहुत ही अच्छे से पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको मैं आपके लिए छोड़ूंगा, क्योंकि क्वेश्चंस में फिर भी अगर आपको डाउट होगा देन आई विल डिस्कस। ओके, बट फर्स्टली आई विल गिव यू एक्सरसाइज 2.6, क्योंकि एक्सरसाइज 2.6 आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं है, कर सकते हैं। अगर फिर भी अगर नहीं होता देन आई विल, आप मुझसे क्वेश्चन पूछिएगा देन आई विल एक्सप्लेन। ओके, मल्टीप्लाई दिस सिंपल से दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन, आपको पता है मल्टीप्लीकेशन कैसे करना है, यू आर द स्टूडेंट ऑफ क्लास फिफ्थ। ओके, सो दीज एक्सरसाइज आर जस्ट द रिविजन ऑफ योर प्रीवियस क्लास। ओके, नाउ एक्सरसाइज 2.7, सेम थिंग है। यहाँ पे आपको ऐसे मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे आपको मल्टीप्लीकेशन इस पैटर्न में दिया था, आपको पता है कि एक मल्टीप्लाई कैसे करना है। यहाँ पे आपको मल्टीप्लीकेशन का एक स्टेप आपको प्रोसीड करके आगे दे दिया है, यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो इन बोथ एक्सरसाइज आई विल गिव यू सम क्वेश्चन, नॉट ऑल द क्वेश्चन। सो यू कैन डू इन एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3, तीनों क्वेश्चंस का ए बी सी हियर ए बी सी, यू विल डू दिस क्वेश्चंस। ओके, ज़्यादा क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है बेटा, कुछ क्वेश्चंस ही आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे आप ट्राई करोगे, देन इन एक्सरसाइज 2.7 क्वेश्चन नंबर 1 का ए ई एफ आई जे, मैं टिक कर रहा हूँ बेटा, देख लीजिए अगेन, ए ई एफ आई जे। ओके, एंड इन क्वेश्चन नंबर 2 ADBE, ये क्वेश्चन आप करोगे, दिस इज योर होमवर्क। नाउ एक्सरसाइज 2.8, दिस यहाँ पे भी बेटा कुछ ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं, बट दिस क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन। ओके, तो सेंटेंस फॉर्म में है, तो इनको एक सेंटेंस फॉर्म में भी हम आंसर का जो प्रोसीजर है उसको भी एक सेंटेंस फॉर्म में ही हम अप्लाई करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.8 क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, अ फार्मर सोल्ड राइस एट द रेट ऑफ दिस पर बैग, हाउ मच विल गेट बाय सेलिंग 525 बैग ऑफ राइस। ठीक है, तो क्या करेंगे आप, एक फार्मर जो है क्या करता है, सोल्ड राइस एट द रेट ऑफ 30 पर बैग। एक फार्मर जो है राइस का झोला, या आप घर में नॉर्मली पलटो के बोरे वगैरह होते हैं राइस में आते हैं, राइस जो है बोरे वगैरह में आते हैं, तो सपोज दैट एक बैग का जो कॉस्ट है वो 1792 रुपीज़ है, और कह रहे हैं कि अगर वो फार्मर जो है ऐसे ही 525 बैग सेल करे तो कितना उसे प्रॉफिट होगा, कितने रुपए का उसे प्रॉफिट होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, एक बैग का प्राइस ये है, 525 बैग का पूछ रहा है, तो हम क्या करें, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, बट कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। अभी इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन मैं डिस्कस करूँगा, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे आपको करना है। ठीक है, नाउ एक्सरसाइज 2.8 क्वेश्चन नंबर 2, अ फैक्ट्री प्रोड्यूस 1875 टॉयज एवरी डे। एक फैक्ट्री जो है वो टॉय बनाती है, एक फैक्ट्री जहाँ पे टॉयज बनते हैं, बच्चों के खिलौने बनते हैं, तो हर दिन एवरी डे कितने खिलौने बनते हैं, 1875। हाउ मेनी टॉयज विल इट प्रोड्यूस इन 2 ईयर, दो सालों में ये फैक्ट्री अगर लगातार काम करे तो कितने खिलौने बना देगी। ओके, आपको एक दिन का दिया, आपको वन डे का प्रोडक्शन दिया हुआ है, आपको यू हैव टू फाइंड द प्रोडक्शन ऑफ 2 ईयर। ओके, सो स्टेप वी विल डू द क्वेश्चन स्टेप बाई स्टेप। फर्स्टली वी विल राइट द गिवन, क्या क्या डेटा आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, वन डे प्रोडक्शन, एक दिन का प्रोडक्शन दिया हुआ कितना, 1875 ट्वाइज। क्या क्वेश्चन आपसे क्या निकालना है, फाइंड द 2 ईयर प्रोडक्शन, 2 साल का प्रोडक्शन आपको निकालना है। अब वी नो डैट, एक आपको अच्छे से पता है कि एक साल में 365 डेज होते हैं बेटा, 366 कुछ लोग सोच रहे होंगे, बट क्वेश्चन में लीप ईयर के बारे में डिस्कस नहीं किया है, देन वी विल टेक अ नॉर्मल ईयर। ओके,
सो इन द नॉर्मल ईयर वन ईयर इज इक्वल टू 365 डेज, सो टू ईयर इज इक्वल टू 2 × 365, इट विल बिकम 730 डेज, इट विल बिकम 730 डेज। ओके, अब दो साल में कितने दिन होते हैं? 730 डेज आपके होते हैं। सो प्रोडक्शन इन, तो आपका टोटल प्रोडक्शन क्या होगा 730 डेज में निकालना है। सो प्रोडक्शन इन 730 डेज, आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई बेटा आप यहीं पे कॉपी में कहीं रफ वर्क में आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन आपको इसलिए आता है, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पे यू हैव टू शो ऑफ द मल्टीप्लिकेशन है, आप मल्टीप्लिकेशन शो करेंगे यहाँ पे आपका आ जाएगा। ओके, तो 730 डेज में टोटल प्रोडक्शन आपका ये हो गया। तो टोटल ट्वाइज कितने बने टू इयर्स में आपके बनेंगे, आप इसको लिख सकते हो आपके कितना 1,368,750 ट्वाइज आपके बनेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, अ बैग कंटेन 4 kg 750 ग्राम ऑफ वेट, हाउ मच वीट विल बी कंटेन बाई 1500 सच बैग। सिंपल सा कंसेप्ट है, वीट एक बैग में रखा हुआ कितना 4 kg 750 ग्राम रखा हुआ है, कह रहा है कि ऐसे ही 1500 अगर बैग संभालें तो टोटल वेट कितना हो जाएगा। सिंपल सा कंसेप्ट है, एक बैग का वेट दिया है 1500 का पूछ रहा है, तो हम दोनों का क्या करेंगे आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। फर्स्टली एक बैग का वेट हम टोटल निकालें, अगर ग्राम में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा, 4 kg इक्वल्स टू 4000 ग्राम प्लस 750 ग्राम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 4750 ग्राम। ओके, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, तो आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द वेट ऑफ 1500 सच बैग। तो सो वेट ऑफ, अगर एक बैग का वेट है, अगर एक बैग का वेट 4750 ग्राम है तो 1500 बैग का क्या हो जाएगा, 4750 ग्राम इज इक्वल्स टू 1500। यहाँ से आप मल्टीप्लाई करोगे रफली, यू विल शो द मल्टीप्लीकेशन रफली हियर ऑल्सो, मल्टीप्लाई करेंगे आप 4750 में 1500 का मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करके आपको यहाँ बेटा शो करना है, यू हैव टू शो द मल्टीप्लीकेशन। नाउ जब आप मल्टीप्लाई करोगे देन यू विल गेट 71,25,000 ग्राम ऑफ वेट, बट ये आपका ग्राम में, तो आपको किलोग्राम में लाना, किलोग्राम में लाना आपको रूल्स पता है, किसे डिवाइड करेंगे हम, वी विल डिवाइड बाई 1000 डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका 7125 kg ऑफ वेट आपका हो जाएगा टोटल 1500 बैग्स में। ओके, नाउ ओके, सिमिलरली एक्सरसाइज 2.8 के रिमेनिंग क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। ओके, फिर भी अगर आपको क्वेश्चंस नहीं आते हैं देन यू कैन टोल्ड मी। ओके, आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू वेरी मच।